चाहे वो वैष्णो देवी की चढ़ाई हो, चाहे वो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा हो, wherever or in whatever you do in your young age. If you are old, then sometimes you think, क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या ये मेरे से नहीं होगा? Right or wrong? जो लोग ये कहते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, मेरे को लगता है कि उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं. जब हम किसी को पुष्प देते हैं, फूल देते हैं, तो खिला हुआ फूल देते हैं कि मुरझाया हुआ फूल देते हैं? जोर से बोलिए. मुरझाया हुआ फूल दुनिया स्वीकार करेगी? जवानी हमारा खिला हुआ पुष्प है और बुढ़ापा मुरझाया हुआ पुष्प है जीवन का. और हम बुढ़ापे में जाके भगवान को अर्पण करते, बोले लो प्रभु जी अब हम आ गए, ठाकुर जी हैप्पी होंगे, स्वीकार तो कर लेंगे. ऐसा नहीं, वो ठोकर नहीं मारता, उसका दयालु स्वभाव है, वो कभी ठोकर नहीं मारेगा. लेकिन क्या ठाकुर प्रसन्न होगा? गोविंद कहेंगे पूरी जिंदगी तबाह करके अब आया है तू, तुझे शर्म नहीं आई? अगर तू बचपन से ही आ गया होता तो आज तुझे ये दिन देखना पड़ता. आप सब अपने आप से पूछिए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हमारी कोई देखभाल कर सकता है तो वो कौन है? मेरी बातों पे यकीन मत करो ना. यू थिंक फॉर अ व्हाइल हु इज ऑलवेज केयरिंग यू. नाम अनेक तू एक ही है. किसी भी रूप में भजलो, से शिव जी के रूप में भजलो, कृष्ण के रूप में भजलो, राम के रूप में भजलो, माता रानी के रूप में भजलो, भाई श्री के रूप में भजलो, जिस रूप में भी भजलो. थिंकिंग आपकी है, वो 420 नहीं है, वो 500 नहीं है, वो 5000 नहीं है. भगवान एक ही है, अनेकों रूपों में. बहुत से लोगों को गलतफहमी है, हमारे देवी देवता 33 करोड़ है. अरे भाई 33 करोड़ है भी और नहीं भी, लेकिन सब में एक ही समाया. वो 500 नहीं है. जब जब जिस जिसकी जरूरत पड़ती है तब तब वो रूप बनाकर आ जाता है और आपकी मनोकामना पूरी करता है. नाम अनेक तू एक ही है. सर्वम कृष्णमयम जगत, सर्वम खलिलम ब्रह्म, एकोहम द्वितीयो नास्ति. हम लोगों ने नाम दे दिए. एक मम्मी, वही किसी की बहन है, वही किसी की वाइफ है, कोई किसी की बेटी है, कोई किसी की भतीजी है, कोई किसी की बहू है. पर लड़की तो एक ही है, स्त्री तो एक ही है, आत्मा तो एक ही है, शरीर तो एक ही है. रूप अनेक है, रिश्ते अलग अलग है, टाइमिंग के हिसाब से चेंज होते चले गए. कभी वो बेटी बनी, कभी कभी बहन बनी, कभी वो पत्नी बनी, फिर वो माँ बनी, फिर वो जो भी देवरानी जेठानी अटरम सटरम बनती चली गई, लास्ट में दादी नानी नाना बन गई. हाँ जी कि ना जी? ये हंसी की बात नहीं, ये समझने वाली बात है. वैसे परमात्मा अनेकों रूपों में एक ही है. तो ये माताजी ने एकदम से बोल दिया माता रानी, तो उसका मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया आपके बीच में. लेकिन मैंने पूछा था हु इज ऑलवेज केयरिंग यू. जब तुम अपने माँ के पेट में थे वहां तुम्हारी मम्मी ने पिज्जा नहीं भेजा था, वहां हमारे डैडी ने बर्गर नहीं भेजा था, वहां कोई भी फूड हमारे किसी रिलेटिव से नहीं भेजा था. तब किसने भेजा था? हमारे लिए व्यवस्था किसने की थी? जोर से बोलिए. जब मर जाएंगे तब भी वहां भी अरेंजमेंट वही करने वाला है? मम्मी पापा फिर भी नहीं कुछ भेजने वाले?
बहुत से लोग तो मरने के बाद आजकल की कंडीशन देखने के हिसाब से मुझे लगता है कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे हमारा बॉडी करेंगे, क्या बोलते हैं, पिंडदान, पानी देंगे हमारे बच्चे, श्राद्ध करेंगे हमारे बच्चे। हंसने वाली बात क्या, हमारे सनातन धर्म में श्राद्ध किया जाता है, मरने के बाद भी भोजन दिया जाता है, मरने के बाद भी पानी दिया जाता है, हाँ जी के ना जी, लेकिन हमारे बच्चों को मालूम है कि कैसे देना है, फिर भूखे मरेंगे कि नहीं मरेंगे ऊपर। हरेक बात को आप स्माइल करके नजरअंदाज कर देते हो, ये नजरअंदाज वाली बात नहीं है। चाहे मैं अनविज्ञ और अनपढ़ ब्राह्मण हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि धर्म के हिसाब से ही वहां के रूल बनते हैं। मैंने कल भी शायद परसों भी कहा था, रूल्स मेड बाय द सोसाइटी कैन बी रॉन्ग, बट रूल्स मेड बाय द गॉड कैन नेवर बी रॉन्ग। यहां तुम्हारे रूल चलते होंगे अमेरिका में, इंडिया में इंडिया के रूल चलते होंगे, लेकिन परमात्मा के यहां पर परमात्मा के ही रूल चलते हैं, वहां किसी गवर्नमेंट के रूल नहीं चलते। हाँ जी के ना जी, बोलिए। तो जब वहां जाएंगे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे कि नहीं, और हमें रूल्स मालूम ही नहीं है तो फिर फॉलो कैसे होगा? और जब फॉलो नहीं करेंगे यहां पर, अगर कोई रूल ना फॉलो करे तो क्या मिलता है, टिके, क्या मिलती है, टिके। यहां का आदमी इतना बड़ा बुजदिल है, बड़े बड़े काम करता है पर टिकट से फिरता है, बड़े बड़े काम कर लेता है पर टिकट से उसको उतनी टेंशन होती है कि अगर टिकट गई तो लाइसेंस जाएगा, लाइसेंस गई तो जिंदगी गई। हाँ या ना, लाइसेंस मींस लाइफ लाइन, गाड़ी चलाना ही पड़ेगा नहीं तो लाइफ गई। सर ये टिकट चली गई, दूसरा लाइसेंस में भी बन जाए पर जिंदगी की टिकट कट गई, तब यू हैव एनी अदर ऑप्शन डू यू हैव? राधे राधे तो बोल लो फिर, यही रूल है वहां, राधे राधे बोलो, जय माता दी बोलो, राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, बोलो भवसागर से तर जाओ, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। घर जाके बजा लेना, अभी तो 100 कुर्सी मिल गई है, ताली तो घर जाके बजा लेना, हमारे कौन से बाप का कुछ जा रहा है, मरेंगे तब देखा जाएगा, उन कौन से कल ही मर रहे हैं, बेटा कल मर या आज, परिणाम तो तुझे ही भोगना पड़ेगा, ताली बजा ले शायद कुछ वजन कम हो जाए, नहीं बजाओगे, जो नहीं बजाएगा ताली सी, एक बार और बजाओ मैं देखूं कौन कौन ही बजाएगा। चूहे कही थे, शेर बंदे ने थोड़ा सा कह दिया सी, फिर टर गए बजा दी, पता नहीं महाराज कौन सा मंत्र फूंक दे। कल आपने कथा सुनी, आज फिर सुनाता हूं, आज की कथा क्रम में थोड़ा सा जो दो चार नहीं ज्यादा बैठे यंगस्टर्स उनको मैं रास के सब्जेक्ट में कुछ बताना चाहता हूं, मे बी मैं आप सबको भी कुछ रास के सब्जेक्ट में बताना चाहता हूं। हम लोगों की नजरों में रास का मतलब ये होता है लड़का लड़की हाथ पकड़े और नाचे झूमे गाए, यही रास है, बट दिस इज नॉट रास, दिस इज अ डिस्को बार, राइट? अमेरिका वाले भी तो ये करते हैं, कौन कौन डिस्को में नाचा है जब से इंडिया से आया है तब से लेके आज तक, बोलो जो जो डिस्को में नाचे। अरे क्यों माँ जी भड़क क्यों रही हो, रो क्यों रही हो, आप भी नहीं थी साथ में, आप हैं नहीं, जो गए उनको उठाने दो, कितने कर दो डांस, कितने डांस कर दो, अरे कहाँ किया डांस, और कितने करोगी, बचा की है, वहां थोड़ा अंधेरा रहता है, यहाँ थोड़ी लाइटिंग में कर लेते हो, भर वो तो यही है। हाँ सुनिए आप, किस किस ने डांस किया है, साधुओं प्रणाम,
सारे साधु बैठे तो प्रणाम। खैर यहाँ भी झूठ नहीं बोलना छोड़ना मंदिर में। और वैसे भगवान के आगे पांडे ने तो पांडे ने मेरे मालिक रब जी मैनु रखा की कहते हो और यहाँ के फिर भी झूठ बोलो। बोलो कौन कौन डांस किया अभी तक? लुधियाने में सब करते। देखिए हम और आप जब पार्टी में डांस करते हैं या डिस्को में डांस करते हैं अथवा कहीं भी डांस, सुन लीजिए मैं राज का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं इसलिए पूछ लिया आपसे। मुझे मालूम है आपने बहुतों ने झूठ बोला है, मुबारक हो तुमको तुम्हारा झूठ, पर फिर भी मैं सच बोलूंगा। मुझे मालूम है तुम्हारी शक्लें बता रही हैं, जिन जिनकी नजरें कमजोर है वो सब नाच के आए वहां लीवे। जब हम दुनिया के किसी फंक्शन में या डिस्को में या यहां वहां नृत्य करते किसी के भी साथ, मींस स्त्री पुरुष या कोई भी, तो हमारी वासनाएं तीव्र हो सकती हैं, हमारी वासनाएं और बढ़ सकती हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष का संग ही हमारे मन में वासना कामना उत्पन्न कर देता है। लेकिन उसके लिए एज होना जरूरी है, 14 प्लस, 16 प्लस, 18 प्लस, 20 प्लस, हाँ या ना? ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने जब रास किया उस समय भगवान की जो उम्र थी वो कृष्ण की उम्र थी 6.5 years, मतलब 6.5 साल की उम्र थी जब भगवान ने रास किया। अब मुझे इतना बता दीजिए 6.5 वर्ष का कौन सा बच्चा जानता है कि वाइफ किसे कहते हैं और गर्लफ्रेंड किसे कहते हैं? पहले तो इस बात का मुझे आप जवाब दीजिए, आप अपना अपना पूरा माइंड लगाइए प्लीज। मैं उन बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं जिनको श्री कृष्ण सिर्फ गोपियों का लवर दिखता है, जो सिर्फ इतना समझ पाए कि कृष्ण लवर के सिवाय कुछ नहीं थे, उनके लिए भी ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि अमेरिका जैसी जगह पर रहकर इन लोगों को इतना क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। तो मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, जो सुनने वाले धन से सुने, समझना चाहते हैं तो बताइए मुझे 6.5 वर्ष का बच्चा कितना सोचेगा, उसे मम्मी बहन पापा के अलावा कोई याद आएगा है? लेकिन कृष्ण फिर भी बांसुरी बजा रहे, कृष्ण फिर भी गोपियों का हाथ पकड़ रहे, कृष्ण फिर भी नृत्य कर रहे, एक एक स्टेप बड़ा सुंदर कर रहे, एक एक स्टेप इतना सुंदर है कि कामदेव परास्त हो रहा है। कामदेव ये कह रहा है ओह माय गॉड, ऐसा तो मैं भी सोच नहीं सकता जैसे ये कर रहे। कौन कह रहा है? कामदेव कौन, किसे कहते कामदेव? मालूम नहीं? मालूम, मालूम है तो बोल दो, सबको मालूम, सब जानते, नाम नहीं मालूम होगा मे भी। जब हमारी भावनाएं उत्तेजित होती हैं तो काम ही हमारी भावना को उत्तेजित करता है, जब स्त्री पुरुष, पुरुष के और पुरुष स्त्री के बारे में सोचता है, वो काम कामदेव का ही है। और उस कामदेव ने सबको परास्त कर रखा है, लेके छोटे से और बूढ़े तक, 60 साल के हो जाएं, 70 साल के हो जाएं, फिर भी 20 साल की तरफ देखे बगैर मानते नहीं। जो यहां बैठे मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप सब साधु हैं, मैं उनसे कह रहा हूं जो ये सच है, ये सच है, इसको आप झुठला नहीं सकते। बोलिए मन नहीं करता है देखने का, तो मन चाहे बात ना हो चाहे कुछ ना हो थोड़ी देर आंख उठा के तो देख ही लेते। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। मना करो ना जी, क्यों देख लेते भाई? बोले आंखों को सुख मिलता है, सुंदरता देख ली, अच्छा लगा, मन लगा, गलत तो नहीं सर? तो हम 70 साल के होकर भी 20 साल के वो देखे बगैर मानते नहीं। मैंने स्त्री पुरुष की कोई बात नहीं की है, चाहे वो 70 साल की देवी हो चाहे 70 साल का देवता,
मैंने यहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखा स्त्री पुरुष का, मैं बात कर रहा हूं आपकी जो भी एज है, आप जिस उम्र में भी हो, आपके अपोजिट साइड अगर सुंदरता है तो आप उसे देखे बगैर मानेंगे नहीं। कई माताएं साढ़े कॉल आने ने, हाय मेरा पुत्र कितना सुंदर है, गाय अरे ले 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 गले लगा लिए। चाहे बेटे के रूप में उन्होंने प्यार किया, चाहे उन्होंने बेटे के रूप में हमें स्नेह किया, लेकिन गले तो लगाया ना, वही हमारी सकल माड़ी होती तो सकल माड़ी होती, कुछ बोला जाता नहीं, कुछ होता नहीं, माँ जी लगा दी मैंने, हाय मेरा पुत्र, दूर से पूछ रही थी हाँ जी कितों आए हो, खेल खत्म कि नहीं, राइट। तो सुंदरता देखने की हैबिचुअल हमारी आंखों को हो गया है, हम लोग हैबिचुअल हैं कि हम सुंदरता देखे बगैर रह नहीं सकते। तो ये वासना भी जागृत करती और इसी के वशीभूत होकर ये संसार, संसर्ग जो सरकता रहता है उसी का नाम संसार है, जो रात दिन सरक रहा है। सरक रहा है मतलब जो आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा है, आगे जा रहा है। पीछे जाता तो हम 100 से 1 तक पहुंचते, आगे जा रहे हैं इसलिए 1 से 100 तक जा रहे हैं। आपके यहां पर मैंने देखा है काउंटिंग उल्टी करते 59 58 57 ऐसे। मैं एक जगह पर रनिंग कर रहा था, वहां मशीन उल्टा गिर रही थी, मैं तो चक्कर में पड़ गया, 2 मिनट हुए नहीं दौड़ने वाली दिखा रहा है 58, फिर बाद में अचानक याद आया नहीं है उल्टी काउंटिंग होती है। लेकिन संसार उल्टा नहीं चलता, संसार 1 से 100 तक जाता है, यही सच है। तो भगवान श्री कृष्ण जब 6.5 साल के हैं, कामदेव कृष्ण के पास आते हैं, वो कामदेव जिसने नारद जी को बख्शा नहीं है, वो कामदेव जिसने ब्रह्मा जी को छोड़ा नहीं है, वो कामदेव जो शिव जी के पास भी जाए बगैर माना नहीं है, वो कामदेव जिसने बड़े बड़े तपस्वियों की तपस्या भंग कर दी है, ये उस कामदेव की बात है। श्री कृष्ण के पास जब कामदेव पहुंचता है तो कामदेव कहता है कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान ने कहा है पुष्प धनुष धरवीर हम आपका स्वागत करते हैं, बट आई डोंट नो हु आर यू, प्लीज आप अपना परिचय तो दीजिए, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कामदेव बोले आप मुझे नहीं जानते, मैं बता देता हूं, मेरा नाम कामदेव है, मदनो मर्मदो मारो प्रद्युम्नो निकेतना कंदर्प दर्प कोन अंगा काम पंच सरस्मरा, मदन काम मदनी राखो मर्दन कर दो मर्दन मदी, मनमतो मनमत मत सब के दे वो छाछ करो पंच नहीं, मार हम मार दऊं मत रद सति मार की मार सु ब्रह्म हूं कांपई, मेरी मार से ब्रह्मा भी कांपता है, मैं वो मेरा नाम कामदेव है, अभिमान है ना, मैंने बड़े बड़े देवी देवताओं को परास्त कर दिया, इस बात का अभिमान है कामदेव को पक्का। और भगवान का नाम ही है, भगवान का काम ही है, जो अभिमान करे उसे चकनाचूर कर दे। जवानी में हम सब अभिमान करते हैं, किसी को बल का अभिमान है, किसी को अपनी इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं उनको अपने उसी पर ज्ञान का अभिमान है, किसी को अपने स्वरूप का, किसी को होता है कि नहीं अभिमान, बोलो बोलो बोलो, प्लीज 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 प्लीज, मेरा बच्चा मेरा स्वीट बच्चा बोलना होता है ना, बुढ़ापे में सब अलवारी में लोग ले ले कर ले अभिमान, ओ मत कर रे अभिमान, जवानी 2 दिन की है, जिंदगानी 2 दिन की है, ओ मत कर रे अभिमान, जवानी 2 दिन की है, जिंदगानी 2 दिन की है, बेटा बेटी काम न आवे, धन दौलत सब यहीं रह जावे, बेटा बेटी काम ना आवे, बेटा बेटी यही रह जावे, धन दौलत सब यही रह जावे, सोच समझ ले बंदे अभी, सोच समझ ले अभी बंदे, ये जिंदगानी 2 दिन की है, ये जिंदगानी 2 दिन की है, ये किसी के काम आज तक आई नहीं, आगे किसी के काम आएगी नहीं, जब जाएगा यहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तेरे ही अपने तुझको चिता में जा जलाएंगे, तेरे ही अपने तुझको चिता में जा जलाएंगे, और तुझको विदा करते समय
ये थोड़े झूठे आंसू बहाएंगे, लेकिन फिर भी घर लौटते हुए तुझे भूल जाएंगे। शमशान से लौटते वक्त कोई कहता है, ओ डैडी प्लीज कम टू मी, ओ डैडी प्लीज कम टू मी, आई डोंट लिव विदाउट यू, प्लीज डैड कम टू मी, प्लीज मॉम कम टू मी, आई डोंट लिव विदाउट यू, कोई कहता है। डैड गए वहां से, डैड को आंच लगाई और डैड आके सब खोल दी शाम को, डॉलर मिस ना हो जाए, डॉलर मिस ना हो जाए, डॉलर ले ले कल्ले 16 साल काम बच्चों के लिए जला के आ गए, जिंदगानी 2 दिन की है। तो कामदेव कहा महाराज मेरी मार से बड़े बड़े लोग डरते हैं, अभिमान है, भगवान का नाम है वो अभिमान किसी का छोड़ते नहीं। अगर आपको भी किसी चीज का अभिमान है, आई एम सॉरी टू से, वो आपके अभिमान को भी छोड़ेंगे नहीं। अगर मुझे अभिमान है तो वो मेरे अभिमान को भी छोड़ेंगे नहीं। इंसान वही है जो अभिमान नहीं समर्पण करता है, और जिसे अभिमान है भगवान उसे नष्ट कर देते हैं। ये कृष्ण का काम, अहम योग क्षेम भाव्य हम। नारद जी को बंदर बना दिया, तुम कौन से भेद की इसी अभिमान के चक्कर में। अब साहब मुझे 7 दिन का मौका तो मिला नहीं जो सारी कथा एक्सप्लेन कर दूं। मैं तो 4 दिन के लिए आया हूँ, वो भी 1.5 घंटा कथा होती है पूरे तो। लेकिन जब भी आप आते हैं इतनी बड़ी संख्या में, आज भी हैं, वर्क टुडे इज वर्किंग डे, और यो आप लोग बहुत बड़े लेवल आप संख्या में आए हैं, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। राधे राधे बोलिए एक बार जोर से, ऐसे नहीं जा रहा जोर से हो जाए। तो मैं हमारे श्रोताओं को बता रहा हूँ रास भगवान ने क्यों किया। ये कामदेव आया और कहा कि मैंने सबको जीत रखा है, आप बाकी हैं, मैं आपको जीतना चाहता हूं। भगवान बोले भाई हम पे तो युद्ध करना आता नहीं, हम तो अभी छोटे बच्चे हैं, हमसे तो तुम गैया चरवा लो, नंद बाबा की गाय चराते, तुम्हारे घर में हो तो 10-15 गाय भेज देना, कल चरा लाएंगे। अरे बोले गाय नहीं, हमने तो नारद जी से मना किया था कि हम आपसे युद्ध कैसे करें, पर नारद जी ने हमें आपके पास भेजा है। अरे नारद जी ने भेजा है? बोले हां जी, बोल तो युद्ध करेंगे फिर आपसे, अगर नारद जी ने भेजा है तो हम आपसे युद्ध करेंगे। कौन सा युद्ध करोगे बताओ, मैदान का कि किले का? ध्यान से सुनना जितने भी बच्चे लोग यहां बैठे, यंगस्टर तो जरूर सुन ले, बुजुर्गों की कोई बात नहीं, क्योंकि इनका तो रास हो लिया। जिंदगी भी तो एक रास ही है साहब, नहीं है? अगर अच्छे मार्ग पे चले जाए तो परमात्मा के साथ रास होता है, गलत रास्ते पे चला जाए तो यमराज के साथ रास होता है। अच्छे मार्ग पर चले गए तो श्याम की बांसुरी सुनने को मिलती है, और अगर गलत रास्ते पे चले गए तो यमराज की गदा का चकाचक सेवा होती है। रास तो दोनों ही जगह है, एक जगह मार का रास है, एक जगह प्यार का रास है। नाउ यू डिसाइड, दिस इज योर डिसीजन, व्हाट डू यू लाइक, व्हाटएवर यू लाइक प्लीज ट्राई टू डू। कैसी बंसी बजाए श्याम ये चाहिए, या कैसी गदा चलाई आपने मेरी कमर? बोलिए कैसा राज चाहिए, यमराज के संग कि कन्हैया के संग? कैसे मिलेगा? कन्हैया जब मुंह फाड़ दिया, कन्हैया के संग सच मत बोलना पाप लग जाएगा, सच मत बोल देना अमेरिकन पीपल डोंट लाइक यू। पर भैया लाइक करो या डिसलाइक करो, आई डिसलाइक करो तो भी क्या फर्क पड़ता है। मैं इसलिए नहीं कथा कर रहा हूं कि आप मुझे लाइक करें या डिसलाइक करें, मैं इसलिए कथा कर रहा हूं कि मेरा कन्हैया मुझे लाइक करे, बाकी का चाहे जो भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। जोर से मत बजाना, नहीं तो लोग आ जाएंगे, उनका भला हो जाएगा। आलसी का मत बजाओ, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब समझ में आया कन्हैया ने रास क्यों किया? इस कामदेव को परास्त करने के लिए। क्या करने के लिए? कामदेव को। कामदेव से कहा शरद पूर्णिमा के दिन आना। काम कब प्रबल होता है? काम तब प्रबल होता है जहां स्त्री पुरुष दोनों साथ हों। अकेले रहने से काम प्रबल थोड़ी होता है,
काम प्रबल, काम बलवान, काम स्ट्रॉन्ग तब होता है जब स्त्री भी सुंदर हो, पुरुष भी सुंदर हो, दोनों का आकर्षण एक दूसरे में हो, फिर काम प्रबल हो जाता है। भगवान ने कहा इस विश्व की एक से एक सुंदर स्त्री मेरे साथ होगी, तू अपनी पूरी शक्ति लगा लेना शरद पूर्णिमा के दिन। अब आपको और बता दूं गोपी कितनी सुंदर है, आप लोग तो फेस पाउडर लगा लगा के बड़े अपने आप को है डिजाइनेबल फैशनेबल समझती हो। आपसे नहीं कह रहा हूं जो नहीं आई है कम वक्त उनके लिए कह रहा हूं, आप तो भक्त हैं भगवान की, आप कहां पाउडर सौदन यूज करती हैं, आप तो चकाचक भक्ति का सुरमा आंखों में लगाऊंगी और बन के जोगनिया श्याम को रिझाऊंगी। आप तो कन्हैया की हो, आपको सजने की जरूरत नहीं पाउडर लगाने की, यहाँ पर लाली लगाने की, काजल लगाने की। काजल मिला कहाँ है, कम वक्त काजल तो रह गया, आजकल तो लाल लाल लगा के जाती है जो ऐसे लगे। मैं आपकी थोड़ी कह रहा हूं, आप तो देवी हो, मैं तो उनकी कह रहा हूं जो यहाँ क्या लगाती है वो। और ये साड़ी जिस कलर की होगी वही कलर की होगी ऊपर, जिस कलर की ड्रेस उस कलर की। क्या बात है, चकाचक चमक रही है। कई बार तो गलत फहमी हो जाती है, आंखों में काजल की जगह ये लाली कहां लगाएगी, पागल तो नहीं होगी। पर आजकल तो टुडे नाउ डेज इज अ फैशन, व्हाट एवर यू डू, कपड़े फाड़ के पहन जाओ बोले क्या बोले फैशन, बाल बिखेर के चले जाओ क्या बोले फैशन, पर्स आधा लटका हुआ लेके जाओ क्या फैशन, मोबाइल को लटका के चलो फैशन, आजकल तो मोबाइल भी डंडी पे लगा लेते हैं, ये क्या बोले फैशन। पता नहीं ये निकम्मी फैशन कहां जाके रुकेगी, हमारे कहीं ऐसा नौ आदमी को बर्बाद कर दे तब भी ना रुकेगी, फैशन फैशन फैशन। अरे फैशन है कि काल है हमारे नाम के पीछे पड़ गई ये फैशन कहेगी। आई डोंट केयर फैशन यार, भाड़ में जाने दो, हम तो बात कर रहे हैं कृष्ण की और गोपियों की। चलो बताते हैं आपको, आपको मालूम है गोपी कितनी सुंदर है, मालूम है कि नहीं है? मैं बता दूं, अगर आप चाहें तो बता दो, नोट कर लेना, तुम्हें याद नहीं रहेगा, तुम्हारा माइंड वीक हो गया है, गूगल पे लिख लो, गूगल वाले को भी नहीं पता होगा कम खत को कि गोपी कितनी सुंदर है, पूछ ले गूगल से। आई चैलेंज यू, पूछिए गोपी कितनी सुंदर है, अपने गूगल से पूछिए, इसकी कैपेसिटी खत्म। इससे पूछिए मिस वर्ल्ड कौन है, गूगल झटक बता देगा, लेकिन पूछिए कि गोपी कितनी सुंदर है, ये गूगल खत्म हो जाएगा। जहां गूगल की भी पहुंच ना हो वहां पर तुम्हारी भक्ति की पहुंच पहुंच जाती है मेरे भाई बहन, इसलिए भक्ति इन सब से ऊपर है। तो कोई भक्ति ही बता सकता है गोपी कितनी सुंदर है, ना वाई से ही हो। भगवान करे कुर्सी वाले के पाए टूट जाए, आलसी कहेंगे कितने तगड़े आलसी हैं, ताली हाथ हिलाते नहीं, बोले नीचे बैठे ये बजाएंगे ना, क्यों तू याद रखना इनसे ऊपर की हाइट पे आप हो, यमराज को कलेक्ट करने में सुविधा होगी, इनके लिए तो 2-3 फीट नीचे आना पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। जो यहाँ बैठे मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, मैं तो उनसे कह रहा हूं जो यहां नहीं आए। अच्छा सुनो ध्यान से, बता देता हूं गोपी कितनी सुंदर है। जितनी इस दुनिया में सुंदरता है जितनी भी है, आज तक की जितनी भी मिस वर्ल्ड आपने देखी है, जितनी भी एक्ट्रेस और एक्ट्रेस जितनी भी हैं, आप सब की सुंदरता जितनी है, चाहे वो अमेरिका की गोरी हो, चाहे वो इंग्लैंड की गोरी हो, चाहे वो कनाडा की गोरी हो, चाहे वो कहीं इंडिया की हो, जितनी भी विश्व में सुंदरता है उस सुंदरता को एक जगह मिक्स करो, एक जगह। जब एक जगह मिक्स होगी तो तब एक देवलोक की अप्सरा बनेगी। कौन बनेगी? अप्सरा, देवलोक की, स्वर्ग के अखाड़े की अप्सरा एक बनेगी। और वहां पर ऐसी पॉपुलेशन है जैसी यहां है, देवलोक में भी खूब लाइन लगी पड़ी है, वहां बहुत सुंदर पुरुष हैं, वहां बहुत यहां के तुझसे तो लाख करोड़ गुना ज्यादा सुंदर स्त्री पुरुष देवलोक में है।
और जितनी भी देवलोक में सुंदर अप्सराएं हैं उन सब की सुंदरता को एक जगह रखो, तब जाके ब्रज की एक गोपी प्रकट होती है, तब जाके ब्रज की एक गोपी। गूगल में दम है बताने का, तो इसका मतलब है हमारे शास्त्र की जो ऋषि मुनि थे वो गूगल के बाप थे, मानोगे ना इस बात को? और हमने बिलीव किस पे कर लिया, और ऋषि मुनियों को? अरे राम राम राम, कैसी बुद्धि सड़ गई है, कैसी छोटी सोच हो गई है। हमने बुझो ऋषि मुनि आज से 5000 वर्ष पहले लिख के चले गए थे, वो आज हो रहा है, हमें उस पर यकीन नहीं है, छोड़िए। तो इतनी सुंदर सुंदर गोपियों के मध्य में कामदेव को बुलाया श्री कृष्ण ने, और वो भी दिन में नहीं, रात में, रात के समय बुलाया, क्या जा और कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन, दिखा के तुझ में कितना बल है, कर मेरे हृदय में काम की शक्ति का संचार। और वाह मेरे प्यारे क्या बात है, उन्हीं गोपियों के मध्य में कभी कृष्ण इस गोपी को पकड़ते हैं कभी, और जब जब कृष्ण गोपी को पकड़ने जाते हैं तब काम कहता है कि मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं, और फिर कृष्ण मुस्कुराकर उस गोपी को मोह लेते हैं और फिर दूसरी गोपी के पास चल पड़ते हैं, फिर वहां कामदेव समझ नहीं पा रहा है कि यहां हो क्या रहा है। एक से एक सुंदर गोपी, एक से एक महाराज कृष्ण, और जब आखिरकार कामदेव पस्त हो गया तो आखिर चरणों में गिरकर मूर्छित हो गया और कहने लगा आपकी सुंदरता पर एक कामदेव तो क्या करो करो कामदेव ने छावर कर दिए जाएं तो भी आपकी समानता नहीं कर सकते, हमें क्षमा करो। वो मर गया वहां पर कामदेव, कामदेव वहां पर मर गया। और मरने के बाद वही कामदेव जब कामदेव की पत्नी आकर त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी, आप यकीन नहीं करेंगे, वही काम यकीन तो करना पड़ेगा, शास्त्र का प्रमाण है, वही कामदेव कृष्ण का पुत्र आकर बना प्रद्युम्न, कृष्ण और रुक्मणी का पुत्र, पहला पुत्र है कामदेव। अब आप बताइए बाप बड़ा है कि बेटा, अमेरिका में बेटा बड़ा होता है क्या, बापी बड़ा होता है, बापी बड़ा होता है ना, तो कृष्ण बड़ा है, कामदेव तो बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि कामदेव तो बेटा। अब भगवान ने राज किया क्यों था, बोले इसलिए किया था जिससे कामदेव का नशा उतर जाए, उसे पता चले बेटा मैं तेरा बाप हूं, तू अभी बच्चा है, इसलिए भगवान ने कामदेव का मान मथने के लिए, मान मर्दन करने के लिए मेरे कृष्ण ने वो महारास लीला की जिस रास में गोपियों को प्रेम प्राप्त कराया और कामदेव का अभिमान समाप्त किया। रास किसे कहते हैं, मैं बता रहा हूं, रास उसे कहते हैं जब आत्मा परमात्मा से मिलने पहुंच जाती है। अभी मैं जब भजन गाता हूं तो कई माताएं बहन बड़ी मस्ती में नाचती हैं, सबसे पहले एक माता जी खड़ी होती हैं और उनके प्रेम को मैं समझ सकता हूं, सबसे पहले खड़ी होती हैं किसी भी भजन पे, उस समय उनको कितना आनंद आता होगा वो माता जी जान सकती, वाणी से तो बयां नहीं कर सकती, वो सिर्फ हृदय का आनंद है। अब बताइए वो कम से कम उन माता जी की 50-55-60 साल की उम्र तो होगी, अब वो उनके मन में वासना आएगी या भक्ति की रास की लहरें आएंगी, जवाब दीजिए। बंदर का जाने अदरक को स्वाद, हमारे ब्रज में कहावत है, बंदर को कहो लो जी हम जर्जर वाली टी पिला रहे हैं आपको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, जंजर, जिंजर की जंजर, जिंजर जो भी है वही ना अदरक, शुद्ध भाषा में अदरक। अब बंदर को कहो कि हम आपको जिंजर वाली टी पिला रहे हैं, टेस्ट करो, करेगा बोलो, करेगा। और किसी आप जैसे इंटेलिजेंट को पिला दे तो, अरे साहब बड़ी टेस्टी बनाई, सही है गलत है? वैसे ही रात दिन काम वासनाओं में पड़े हुए निकम्मे पापी दुष्ट राक्षस कलयुगी लोग ये भगवान श्री कृष्ण के रास के रहस्य को समझेंगे क्या? बंदर तो फिर भी थोड़ा बहुत मुंह हिला के कह देगा कि हाँ कुछ तत्व तो है, लेकिन ये बंदर के भी बच्चे हैं, इनको पता नहीं चलने वाला कि रास कहते किसको हैं, रास नाम की स्थिति बहुत दूर है मेरे भाई बहन, बहुत दूर है।
मेसी राज को भगवान ने कामदेव को परास्त करने के लिए किया, और जो लोग समझदार हैं वो इस रहस्य को समझ लेते हैं, और जो समझदार नहीं है वो पानी की लहरों के साथ बह जाते हैं। अभी मैं आपको बता दूं एक बहुत आवश्यक बात, जो श्रीमद् भागवत के कुछ दसम स्कंद के प्रसंग आप सुन रहे हैं, उस भागवत को परीक्षित को सुनाया गया था। किसके लिए? परीक्षित को सांप लगा कि 7 मिनट तुम्हें तक्षक डस देगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब सुखदेव जी महाराज की शरणागति आकर कहते हैं, जिनको महाराज सांप लग गया हो, जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो, उसे क्या करना चाहिए? तब सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, जिसकी मृत्यु नजदीक हो अथवा जिसकी मृत्यु हो भी गई हो, उसके नाम से भी अगर भागवत श्रवण किया जाए तो मरने वाले का भी और जो मरने वाला है उसका भी, दोनों का कल्याण हो जाता है। भागवत देखो, जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, हर एक जन्म में हम प्रयत्न करते हैं हमारा कल्याण हो, पुनर्जन्म न हो, लेकिन हजारों वर्ष तक करने के बाद भी हमें वो संभव नहीं हो पाता, लेकिन वही भागवत मात्र 7 दिन में बेड़ा पार कर देती है। कितने में? 7। लेकिन क्या हम वो भी कर पाते हैं? नहीं कर पाते। आप लोग अगर परलोक गए हुए लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कम से कम अपने पूर्वजों के नाम से एक एक भागवत की पोथी का पाठ अवश्य करवाना, जिससे वहां जाने के बाद भी उनका कल्याण हो जाए। और यही संकल्प के साथ हम वहां पर विशाल भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन में। किसके लिए? हम सबके कल्याण के लिए। आप अपना कल्याण चाहते हैं अपने नाम से कराएं, बच्चों का कल्याण चाहते हैं बच्चों के नाम से, और जो दुनिया से जा चुके हैं उनके भी नाम से अगर भागवत, फिर बता रहा हूं, यहाँ की भागवत में और वहां की भागवत में उतना ही अंतर है जितना वहां के रिश्ते में और यहाँ के रिश्ते में अंतर है। समझ गए? अभी मैं बहुत बढ़िया मैसेज देने वाला हूँ आप सबको, बहुत बढ़िया, वो आपको मोबाइल पे रिकॉर्ड करना होगा। मोबाइल रख लीजिए जेब से निकाल के अपने पास, और जब मैं वो बोलूं तो आप उसे रिकॉर्ड करना और अपने पास रखना, और जिनका भला करना चाहो उनको व्हाट्सएप पे भेज देना। लेकिन हम अपनी मूर्खता बस, अपनी अज्ञानता बस, अपने लालच के बस, हम उस सुंदर मौके को, अवसर को अपने हाथों से गंवा देते हैं। गोपियों को भी लगा कृष्ण हमारे हैं, अब उन्हें उस बात का अभिमान हुआ, और गोपियों ने अभिमान करके कृष्ण को अपने पास से दूर कर दिया। तब गोपियों को याद आया कि कृष्ण को हमने अपनी गलती से खोया है, अब प्रेम से पाना है, तो गोपियों को पाना, कृष्ण को पाने के लिए गोपियों ने गोपी गीत का पाठ किया। मैं पूरा श्लोक तो बोल नहीं सकता आप सबके मध्य में, लेकिन एक दो श्लोकों का पाठ कर रहा हूं, अगर संभव हो सके तो आप अपना सर ढक लें, क्योंकि इस समय हमें गोपी भाव ही हृदय में धारण करना चाहिए, और गोपी भाव रखकर अगर हम इस गोपी गीत के एक दो श्लोक सुनेंगे तो मे भी कि हम सबको वो थोड़ा सा तो अनुभव होगा। जयति ते दिकं जन्मना व्रज, श्रयति इंदिरा सास्वदत्री, दयति द्रश्यतां दीक्षितावकास, त्वयि धृतासवस त्वां विचिन्वते, शरदुदासये साधुजातस सरसिजोधरा श्रीमुषादृशरदुदासये। गोपियां श्री कृष्ण को याद कर रही हैं, कृष्ण को बार बार कह रही हैं, हे कृष्ण तुम्हारी जय हो, हे कृष्ण तुम्हारी जय हो। यहाँ पर एक पॉइंट सोचने वाला है, गोपी जय किसकी कह रही है, किसको कह रही है कि तुम्हारी जय हो, किसको कह रही है तुम्हारी जय हो? गोपियां उनको जय कह रही हैं जो उन्हें छोड़ के जा चुका है। आप इसी बात को थोड़ा सा अपने ऊपर लागू करके सोचिए कि आप किसी के साथ घर छोड़ के जाएं, जिसके साथ आप घर छोड़ के जाएं,
और वो आपको बीच रास्ते में कहीं छोड़ के चला जाए बिना आपको बताए, आपको अकेला छोड़ के चला जाए, क्या आप उसको कहेंगे कि आपकी जय हो? बोलिए। एक लड़की एक लड़के के साथ अपना घर परिवार छोड़ के भाग जाए, मम्मी पापा भाई बंधु चाचा चाची सबको छोड़ के जाए, और जिस ट्रेन में जा रही है उस ट्रेन में से उसका वो लड़का जिसके साथ गई वो छोड़ के भाग जाए बिना बताए कि मैं कहां जा रहा हूं, और वो लड़की रह जाए उसमें अकेली, तो बताइए वो लड़की उस लड़के के लिए कहेगी तेरी जय हो? क्या करेगी? पता नहीं उसे से अच्छे अच्छे श्लोक सुनाएगी, राइट? पक्का? नहीं नहीं, हंसने की बात नहीं, सच है ना? क्यों? क्योंकि वो वासना युक्त है, वो कामना युक्त है, उसने वासना के लिए घर छोड़ा था, उसने उसे पाने के लिए नहीं, उसकी वासना पूरी हो जाए, उसकी इच्छा पूरी हो जाए, इसलिए उसने घर छोड़ा था उसको पाने के लिए, लेकिन वो छोड़ के चला गया तो वो FIR भी कर देगी उसके नाम से। लेकिन गोपियां कह रही हैं हे कृष्ण तुम्हारी जय हो। क्यों जय हो? क्योंकि गोपी जानती हैं ये कोई साधारण नंद गोप कुमार नहीं है, ये तो जगतपति जगत आधार जगत पिता परमात्मा सर्वेश्वर कृष्ण है, ये हमें हमारे लिए छोड़ के नहीं गया, हमने कोई गलती कर दी, हमने अपराध कर दिया, हमसे एक अपराध हो गया कि हमें अभिमान हो गया, इसलिए कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। गुरु और गोविंद की एक विशेष पहचान है, ये तभी छोड़ते हैं जब आप में अहंकार पैदा हो जाता है, ये तुम्हें तभी छोड़ते हैं जब तुम सेवा से वंचित हो जाते हो, जब तुम सेवा नहीं करते तब मुंह मोड़ लेते हो अथवा तुम अभिमान हो जाता है, तो गुरु और गोविंद दोनों ही तुम्हें छोड़ देते, और जिस दिन गुरु और गोविंद तुम्हें छोड़ दें समझना कि तुम्हारी मृत्यु उसी दिन हो गई। शरीर जिंदा रह सकता है लेकिन क्रियान्वित तौर पर आपकी मृत्यु हो गई। हमको जिंदा रहना है, हमको बचे रहना है, तो बहुत कंपलसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने गुरु गोविंद की सेवा से कभी वंचित ना हो। आज हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम धर्म करने जाते हैं तो धर्म को हम धन से जोड़ देते हैं। बच्चों को शांत रखें प्लीज, एकदम शांत रखें बच्चों को। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है जब भी हम धर्म करने जाते हैं तो धन का नाम लेके हम धर्म करने वालों को बदनाम कर देते हैं। अगर आपको धर्म देखना हो तो हमारे मुसलमान भाइयों का देखिए, वो अपने लाखों करोड़ों न जाने कितना कितना फंड इकट्ठा करके अपने धर्म को बचाते हैं। हमारे क्रिश्चियन भाइयों को देखिए, वो कितना फंड इकट्ठा करके अपने धर्म को बचाते हैं, और कितनी कहीं भी आप चले जाइए वहां पर वो धन देने में एक सेकंड भी नहीं सोचते, और हमारे धन में हमारे धर्म में क्या? अगर यहां पर भोजन की व्यवस्था ना हो, परिमानदारी से बताओ, अगर भोजन की भी व्यवस्था ना हो तो यहां पर इतने पीपल नजर आएंगे? ये हमारा धर्म है, हम धर्म को मजबूरी समझ के करते हैं, हम धर्म को आनंद और अपने आत्म कल्याण के लिए नहीं करते। जब हमें यह लगता है कि धर्म हमारी मजबूरी है तो फिर धर्म हमारा कल्याण करेगा कैसे? आपकी बेटा आपकी मंजूरी है, आपका हस्बैंड आपकी वाइफ आपकी मंजूरी है, आपकी फैमिली आपके लिए मंजूरी है, आपकी जॉब आपका काम आपका ये आपका वो सब आपकी मंजूरी है, लेकिन धर्म आपकी मजबूरी है, तो बताइए धर्म आपका कल्याण कैसे करेगा? फर्स्ट यू डिवोट योर सेल्फ टोटली 100%, देन यू सी गॉड विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू, ऑलवेज। विदाउट योर डिवोशन, विदाउट योर समर्पण, ही नेवर सी यू, वो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगा। हर चीज को तुम धर्म से और धन से नहीं तोल सकते, धर्म अपनी जगह है। अरे धर्म के लिए लोगों ने जान दी अपनी, बताइए जब किसी बियर बार में जाते हो $1 में कुछ आता है? जवाब दीजिए फटाफट, आता है? और जब मंदिर जाते हो तब दुआएं ले आते हो, दुआएं हे मेनू बख्श दे, कॉन्टेक्ट मेनू मिल जाए, ये आ जाए वो आ जाए, $1 भी नहीं चढ़ाते कम अकत कहीं तो, केला लिया और गए, एक भी नहीं देना भगवान नू, पर $1 करोड़ का कॉन्सेप्ट ले लेना, कॉन्टेक्ट मिलवा दो,
एक बात मैंने कल भी कही थी, आज फिर कह रहा हूं, जब तक तुम छोड़ोगे नहीं तब तक तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। पहले छोड़ना सीखो, फिर तुम कैच करने के लिए तुम्हें मौका ही नहीं, फिर तो अपने आप आता रहेगा। बोलो राधे राधे। एक व्यक्ति था सागर के तट पर बैठा था, एक व्यक्ति था सागर के तट पर बैठा था, और सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा। जब शाम होने लगी तो वहां सागर के तट पे किसी का घर था, उसने देखा इस आदमी को बैठे बैठे बहुत टाइम हो गया। शाम को वो अंधेरा होने से पहले वो व्यक्ति आया, बोले भाई कब से बैठा है, पूरी दोपहर ही निकाल दी, कर क्या रहा है तू यहाँ, व्हाट डू यू वांट टू डू। बोले नथिंग। बोले फिर भी, बोले हाँ मैं इस सागर को पार करना चाहता हूं। ध्यान से सुनना, मैं सागर को पार करना चाहता हूं। तो बोले फिर पार करते क्यों नहीं, सागर पार करो। अरे बोले नहीं, मैं सोच रहा हूं थोड़ी लहर कम हो जाएंगी तब मैं स्टार्ट करूंगा, जब लहर कम हो जाएंगी तब मैं पार करना स्टार्ट करूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा तू जिंदगी भर बैठा रही हो, तुझे में सागर पार होने वाला नहीं। वैसे ही हम और आप हैं, हम लोग इस भवसागर को पार करना चाहते हैं, हम भक्ति पाना चाहते हैं, हम भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, पहले हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं उसके बाद हम भक्ति करेंगे। पहले हमारे बेटा पढ़ लिख जाए, पढ़ गया, फिर बेटे की नौकरी लग जाए, लग गई, फिर बेटे की शादी हो जाए, हो गई, फिर एक पुत्ता हो जाए, हो गया, फिर उस पोते की शादी हो जाए, वो भी हो गई, फिर उसके भी एक पुत्र हो जाए, वो भी हो गया, फिर भी भक्ति शुरू नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सागर में लहरें कभी कम नहीं होती। वैसे ही वासनाओं की इच्छाओं की लहरें इस दुनिया में कभी कम नहीं होती। एक लहर आती है फिर वो पूरी होती है, उसके साथ ही पीछे दूसरी भी चली आती है। जैसे उस सागर का नियम है वैसे ही संसार सागर का भी नियम है। भक्ति करना चाहते हो मेरे भाई बहन, अगर भक्ति चाहते हो तो सागरों के लहरों के ऊपर ही चलना पड़ेगा। जो लहरों के ऊपर चलना जानते हैं वो पार कर सकते हैं, और जो लहरों के ऊपर नहीं चल सकते वो वहीं पर बैठे से बैठे सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, और जिंदगी की शाम वहीं हो जाती है, लेकिन वो स्टार्टिंग भी नहीं कर पाते। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, भक्ति करना चाहते हो तो ब्रज की गोपियों से सीखो। ब्रज की गोपियां कहती हैं हे कृष्ण तुम्हारी जय हो। क्यों जय हो? क्योंकि हमने देख लिया, हमने पहचान लिया कि तुम परमात्मा हो, तुम सिर्फ सबका भला चाहते हो, हमसे दूर गए हो इसलिए कि हमारा अभिमान समाप्त हो जाए, इसलिए तुम हमें छोड़ के चले गए। हे जन कल्याण करने वाले अखिल ब्रह्मांड नायक तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। जय उसी की होती है जो दूसरों का भला चाहता है, जय उसी की होती है जो दूसरों का कल्याण करना जानता है। चाहे तुम हमें थोड़ी देर के लिए वियोग देकर चले गए हो, इसके बावजूद भी तुम्हारे हृदय में तो हमारे कल्याण की भावना ही छिपी हुई है। सो मेनी पीपल नाउडेज सेइंग आई डोंट बिलीव इन गॉड, व्हाई? बिकॉज गॉड आई डोंट सी, वेयर इज अ गॉड? हम कैसे, हाउ कैन आई बिलीव? यू शो मी योर गॉड देन आई बिलीव यू, देन आई बिलीव योर गॉड। Youngsters, so many youngsters confused, how can I do? You don't see God, then you don't believe. Please listen to me, listen to me carefully my dear. Can you see wind? Have you ever been seen to wind? Say no. Boliye no. Have you? किसी ने देखा है हवा को? किसी ने देखा है? फिर क्या हवा नहीं है? विदाउट विंड वी नेवर सर्वाइव वन सिंगल डे। तो क्या हवा नहीं? ये एसी, ये फैन, ये लाइट, ये सब उस हवा के बिना किसी काम की नहीं, लेकिन वो दिखती नहीं। बट आई फील, यू फील, वी आर फीलिंग ऑल्सो, राइट रॉन्ग? जैसे वही हवा बनाई किसने? तेरे पापा ने, मेरे पापा ने, मेरे ग्रैंडफादर ने। हु मेक्स द विंड? बोलिए ना, गॉड।
और उसी गॉड पे आई डोंट बिलीव इन गॉड मार खींच के 5-7 थप्पड़ एक मिनट में सुधर जाएगा पागल कहीं का। उसकी बनाई हुई चीज को मानता है पर उसे नहीं मानता है। उसके बनाए हुए सत्रों पर चलता है लेकिन उसे नहीं मानता है। जैसे विंड को जैसे हवा को देखा नहीं जा सकता वैसे परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। जैसे उस हवा को फील किया जाता है वैसे परमात्मा को भी फील किया जाता है। फर्क है हवा को तुम कभी देख नहीं सकते लेकिन जिस दिन तुम्हारी गति वहां तक पहुंच जाएगी मेरे कन्हैया को तुम देख सकते हो मेरे गोपाल को तुम देख सकते हो। कैसे देखोगे कैसे? फर्स्ट यू डिवोट योरसेल्फ फर्स्ट यू गो टू फ्रंट ऑफ श्री कृष्णा फर्स्ट यू लिसन द श्रीमद् भागवतम ओनली 7 days only 7 days you listen to Srimad Bhagavat Katha then you see you feel very well you feel very relaxed oh my dear understand यहाँ तो कई मेरे जैसे अनपढ़ हैं उनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही होगी। रहे तो अमेरिका में रहे पर इंग्लिश से 2 कोसों तक नहीं उनका पल्ला पड़ा। चलो हिंदी में बोल देना मेरे प्यारे हो जब तक तुम परमात्मा के चरणों में टोटली समर्पण नहीं करोगे परमात्मा का दर्शन अनुभव नहीं हो सकता। गोपियों ने खुद ने कहा है तब कथामृतम तृप्त जीवनम कवि विरीडितम कर्म सापहम श्रवण मंगलम। क्या तब कथामृतम श्रीमदादतम श्रीमद भागवतम। हे प्रभु जो जीव आपकी भागवत कथा सुन लेते हैं उनके श्रवण मात्र से मंगल है उनका। और अभी तो आपने 4 दिन की कथा सुनी है इच्छा है कि 7 दिन की श्रीमद् भागवत भी आपको सुनाई जाए। लेकिन मुझे पता है कुछ आलसी तो नहीं चाहते मेरे ताली बहुत बजवाता है ऐसा महाराज लाएंगे जो हमें कथा पर सोने दिया करे ऐसा महाराज नहीं लाएंगे जो हमें ताली बजवाता रहता है। बोलो राधे राधे। मैंने आपसे कहा था आप अपने मोबाइल रखना निकाल के रखे रखे। मैं आपके अमेरिकन लोगों के लिए बहुत अपनी सोच से तो बहुत अच्छा मैसेज है। राधे राधे। मेरे प्यारे हम लोग अपने देश से दूर इस अमेरिका में बैठे हुए हैं। हम लोग जब अपने देश से आए थे तो बहुत बड़ी प्लानिंग करके आए थे। हम प्लानिंग करके आए थे कि हम अपने देश से दूर जाकर बहुत सारा पैसा कमाएंगे इतना सारा पैसा कमाएंगे कि हमसे ज्यादा कोई धनवान इस दुनिया में न रह सके। ऑब्वियसली आपने कड़ी मेहनत की ऑब्वियसली आपने मेहनत करके घर बनाया होगा ऑब्वियसली आपने मेहनत करके अपना काम बनाया होगा ऑब्वियसली आपने मेहनत करके अपना घर बसाया होगा। बहुत काम आपने बहुत मेहनत से किए हैं मैं इस पे संदेह नहीं करता। बहुत जरूरी भी है एवरीवन नीड्स मनी मुझे भी जरूरत है आपको भी जरूरत है हमारे बाद में लोगों को जरूरत पड़ेगी पैसे की हम सबको पैसे की जरूरत है। लेकिन इस पैसे की कितनी कीमत आपने चुकाई है आपको मालूम है? आपको डॉलर तो मिल गया लेकिन इस डॉलर के बदले में आपके देश की माटी आपसे दूर हो गई वो खुशबू आपसे दूर हो गई। आपको डॉलर तो मिल गया आपको घर तो मिल गया लेकिन शायद किसी किसी के नहीं बहुतों के माँ बाप बूढ़े माँ बाप उस देश में आज तक इंतजार कर रहे हैं मेरा बेटा मेरी बेटी पैसा कमा कर एक दिन जरूर लौटेंगे। लेकिन जानते हो कई बदकिस्मतों को अपने बच्चों का चेहरा भी नसीब नहीं होता जब वो मरने वाले होते हैं। इस पैसे की बहुत बड़ी कीमत चुकाई आपने वो देश का संस्कार वो देश की सभ्यता वो आपका धर्म ये सबसे आपको आपका देश आपके माँ बाप भाई बंधु आपके वो फ्रेंड्स जो बचपन में आपके साथ खेला करते थे आज भी वो इंतजार करते हैं मेरा दोस्त आएगा तो जरूर मुझे देखकर खुश होगा वो जरूर मैं उससे पूछूंगा तू अमेरिका जाके भी मुझे भूला नहीं। वो तेरे गांव की गलियां वो तेरे गांव के घर के वो लोग जो आज भी तेरा इंतजार कर रहे हैं तुम सबको खो चुके हो आज तुमसे वो सब दूर है सिर्फ तुम्हारे पास है तो तुम्हारी दौलत
हाँ तुमने बड़े घर बनाए हैं, कई घर तो इतने बड़े हैं मेरे भाई बहन कि उसमें सिर्फ बूढ़े बूढ़े अकेले रहते हैं, बच्चे उनको छोड़ के चले जाते हैं। क्या अपना घर तोड़वाने आए थे? क्या अपना परिवार तोड़ने आए थे? क्या इस दौर के हम लोग इतने दीवाने हैं कि हम अपना घर तोड़ दें, हम अपना परिवार तोड़ दें, हम अपने बूढ़े माँ बाप को बेसहारा छोड़ दें? नहीं मेरे प्यारे, नहीं। डॉलर की इतनी कीमत तुम्हें नहीं चुका सकता, बिल्कुल नहीं चुका सकता। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, निश्चित तौर पर आप इसी देश में रहिए, निश्चित तौर पर आप धन कमाते रहिए, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप से मिलने अपने देश में जरूर जाया करिए 6 महीने में एक बार, और अपने संस्कार को, अपने धर्म को अपने देश में मरने मत दो। जो इस देश में, अगर तुम इस देश में आए हो तो इस देश में तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ जिंदा रहना चाहिए। तुम्हारा बच्चा हिंदुस्तानी पैदा होना चाहिए, अमेरिकन पैदा नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारा बुढ़ापा आए तो तुम ये ना कहो कि मेरा बेटा टोटली अमेरिकन हो गया है, ये इंडियन नहीं रहा। नहीं, हमारी सभ्यता, हमारी दौलत, हमारी सबसे बेशकीमती अगर कोई वस्तु है तो वो है हमारी हिंदू संस्कृति। जिस हिंदू संस्कृति में माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम और कभी किसी को दुख न देने की परंपरा, ये मेरे देश की सभ्यता है। मेरे भाई बहन, मैं बहुत बड़ा कोई इतिहासकार जानकार नहीं हूं, कि ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि जब मैं भी इस देश में आता हूं तो मेरी मां की आंखों में भी आंसू आता है। जब मैं इस देश में आता हूं मेरे बच्चे भी पूछते हैं कब लौट के आओगे। जब मैं इस देश में आता हूं तो मुझे फॉलो करने वाले लोग पूछते हैं लौट के आओगे ना, कहीं वहां रह तो नहीं जाओगे। प्रॉमिस करता हूं, मैं चाहे इस देश के लिए कुछ समय के लिए आऊं, मैं हमेशा इस देश में नहीं रह सकता। वैसे ही आप सबसे भी एक निवेदन करता हुआ जा रहा हूं, जब जिंदगी तुम्हारा साथ छोड़ने लगे उससे पहले अपने देश वापस चले आना, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार के लिए, अपने दुनिया के लिए, अपने उन फ्रेंड के लिए, अपने माँ बाप के लिए प्लीज चले आना। क्यों? क्योंकि सच्चाई उसी में है, जो पैसा छीन लेता है वो हम पैसे से कभी नहीं ला सकते। आइए अपने सनातन धर्म को जागृत करें, और अपने बच्चों को अगर कुछ दे सकते हो तो सिर्फ देना हिंदू परंपरा, सिर्फ देना अपने धर्म की नींव। क्योंकि अगर जड़ खाली हो गई, अगर जड़ कमजोर हो गई, तो तुम्हारे बच्चे फिर तुम्हें बुढ़ापे में वैसे ही अकेला छोड़ देंगे जैसे हम और तुम अपने माँ बाप को देश में अकेला छोड़ा है। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। ये देव किरंदन आपसे प्रार्थना कर रहा है, आ जाओ मेरे प्यारे, चलो मेरे साथ, चलो धर्म के साथ, चलो मेरे कन्हैया के साथ, एक विश्व में ऐसी शांति का संदेश लेकर जहाँ हर घर में प्रसन्नता हो, जिस घर में आनंद हो, जहाँ मदिरालय नहीं हो, जहाँ जुआलय नहीं हो, जहाँ पर मीट ईट ये सब खाने वाला विषय नहीं हो, जहाँ पर सिर्फ मैं, मेरा कन्हैया और मेरा परिवार की खुशियां ही खुशियां हो। एक ऐसा घर बनाए, अमेरिका में भी एक हिंदुस्तानी घर बनाए, जहाँ पर तुलसी का बिरवा हो, घर में ठाकुर सेवा हो, माँ बाप की याद, माँ बाप की दुआएं मेरे साथ में हो, ऐसा घर अमेरिका में बनाते हैं। मेरे साथ इतना ध्यान रखना, ये मैसेज अगर अच्छा लगा है तो दुखियों के पास जरूर भेज देना, शायद 10 लोग और सुन ले तो उनकी नहीं 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 आप रोइए मत, मैं आपको रुलाने के लिए मैसेज नहीं भेज रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मेरी आंखों में कभी दोबारा आंसू ना आ जाए, मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू ना आ जाए, इसलिए मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ। प्लीज कम टू मी, फॉलो टू मी एंड फॉलो योर रिलीजन, दिस इज अ very good for your life, very good for your family. Radhe Radhe. I don't know कि कितना बड़ा हो गया, बस होता चला गया, मुझे नहीं पता। जितना भी बड़ा हो गया हो प्लीज इसे सेव करना, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहां भी आप यूज करते हैं इसे 10 जगह पर जरूर सेंड करना, उन लोगों की आंखों से आंसू जरूर छीन लेना, शायद किसी को सुख मिल जाए। कौन कौन करेगा 10-10 लोगों को ये सेंड? कौन कौन करेगा हाथ उठाई? क्यों, जिन्होंने नहीं वो नहीं करेंगे? ऊपर करो, इसमें भी पैसा लगेगा यार, इंटरनेट फ्री है। बाप रे बाप, हर चीज में कितना बोलूं। आप सभी करना, प्लीज सभी करना, क्योंकि अगर हमारी वजह से किसी को भी कुछ सुख मिलेगा, शायद किसी को शांति मिल जाए, किसी को कुछ आनंद मिल जाए, अच्छा रहेगा। आइए अब मैं थोड़ी सी हनुमान जी की कथा भी आपको सुना देता हूँ। आज मंगलवार है, हनुमान जी की कथा आप लोग श्रवण करें, उसके बाद हम और आप सभी आज के सत्र को पूरा करेंगे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलिए राधे, और जोर से बोलिए राधे। हनुमान जी महाराज, मंगल मुहूर्त मारुति नंदन,
सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तने पवन तरह संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसौ स्वरूप। वो हनुमान जी महाराज जो दिन ये तो मंदिर भी संकट मोचक हनुमान जी का है। हनुमान जी से सीखना चाहिए कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। हनुमान जी की जो कथा है रामायण में बहुत आती है, पर मैं उसमें से एक सिर्फ एक चौपाई हनुमान चालीसा की एक चौपाई ले रहा हूं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान हमारे हृदय में कब वास करते हैं? भगवान हमारे हृदय में तब वास करते हैं जब हम भगवान के चरित्रों का श्रवण हमेशा करते हैं। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एवरीडे। जैसे आप फोन एवरीडे सुनते हैं, जैसे आप दुनिया का काम भोजन दिन में चार बार करते हैं, वैसे ही भगवान का चरित्र भी कम से कम दिन में एक बार जरूर सुनना चाहिए। हनुमान जी की तरह भक्ति हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हम हनुमान जी नहीं है, लेकिन उनके चरणों को हम लोग उनके चरित्र को थोड़ा बहुत फॉलो तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फॉलो कैसे करें? बोले अभी पिछले चार दिन से आप कथा सुन रहे हैं, किस किस को आनंद आया? आया कि वैसे याद उठा रहे हो? सच्ची बोलो, आया? अगर आपको आनंद आया चार दिन में, जब इतना आनंद आ सकता है तो जिंदगी भर सुनोगे तो कितना आनंद आएगा। आज भी आनंद आया कि नहीं? और रोज सुने तो मैं ये अभी एक जगह मैंने पढ़ा था, कल हमारे बीच में चर्चा हो रही थी, जब हम फोटो खिंचवाते हैं तो स्माइलिंग करते हैं, स्माइल करते हैं, करते हैं, कितनी अच्छी फोटो आती है। स्माइल कर, फोटो वाला भी कहता है स्माइल प्लीज, करता है ना। और जब तक स्माइल हो तो फोटो अच्छी नहीं आती। तो जब स्माइल करते समय, थोड़ी सी स्माइल करते समय हमारी फोटो अच्छी आ जाती है, तो जिंदगी भर स्माइल करते रहे तो कितनी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये जिंदगी भर की स्माइल तब तक नहीं आ सकती जब तक ठाकुर जी से प्यार ना हो जाए, जब तक जीवन में कथा ना आ जाए। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान में जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थितियों में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सह कार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094443 में जमा कर सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छटिकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 0114756400008, मोबाइल 9212210143, वेबसाइट www.vsscity.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vsscity.com,
ट्विटर dn/thakur/g, फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी।